नमस्ते दोस्तों, आज मैंने हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बगुला और लोमड़ी की स्टोरी। चलिए सुनाते हैं। एक बगुला था और एक लोमड़ी थी। तो लोमड़ी ने सोचा कि बगुले को खाने पे बुलाया जाए। तो लोमड़ी ने बगुला से कहा कि शाम को हमारे यहाँ दावत है, आना। और उसके बाद बगुले ने बोला ठीक है। जैसी शाम हुई वैसे वो चला गया। तो जो जो फॉक्स थी उसने क्या करा कि अपनी भी थाली में खीर रख ली, उसकी भी उसको भी थाली में खीर परोस दी। उसके बाद जो बगुला था, बगुला की नाक जीभ इतनी बड़ी, जीभ इतनी छोटी सी, नाक इतनी बड़ी, तो वो खा मुंह मुंह इतना लंबा और जीभ इतनी छोटी, तो वो कैसे खाए? तो वो खा ही नहीं सकता। उसके बाद जब वो दान उठा उठा के खाता, वो खा ही नहीं पाया, उसने खीर खाई नहीं। फिर उसने बोला इसको तो सबक से खाना पड़ेगा, गंदी लोमड़ी। उसके बाद वो उसने बोला हाँ हमारे दावत है, शाम को आना। उसके बाद वो चली गई। जब वो चली गई तो जो बगुला थे उसने भी अपनी सुराई में खीर रख ली और उसको भी सुराई में ही खीर दे दी। वो कैसे खर्च पाएगी? तो उसका मुँह ही नहीं घुसा उसके अंदर। अगर मुँह ही नहीं घुसा तो उसने बोला कि मेरे यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था मुझे। उसके बाद बगुल ने बोला नहीं, ये मैंने सबक सिखाने के लिए किया था, इसलिए जब मैं तुम्हारे घर गया था तुमने मुझे थाली में खीर क्यों दी? देखो जो भी जो घर पर जाता है उसे अच्छे से खाना देना चाहिए, ये बात नहीं मानती हो आप? देखो फिर उसके बाद द मोरल स्टोरी क्या है? द मोरल स्टोरी ये है कि हमें अपनी एक पैसा को पैसा, ये मेरी स्टोरी होगी। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।